अस्सलाम वालेकुम। आज अरमान और अब्दुर्रहमान आपको दिखाएंगे कि ये जो एसी और डीसी पंखे हैं इसके खुर्शीद फैन के, उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे। देखें, अभी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करने लगे हैं। चलो अब्दुर्रहमान, आप ही निकालो इसे बाहर। हाँ जी, इसका कवर निकालो और इसके अंदर से शेप चेक कराओ सारी की सारी, और दिखाओ ये कैसा है, इसके अंदर क्या चीज़ है, ये सब खोल के दिखाओ हमें। हाँ, ऐसे ही खोल लो। अभी मैं देता हूँ, क्या चाहिए, पेचकस चाहिए? एक मिनट देता हूँ आपको, ये ले लो। हाँ, अभी खोलो और दिखाओ कि इसके अंदर है क्या चीज़। ये खुर्शीद फैन का पंखा है, मतलब इसको आप आम इलेक्ट्रिसिटी बिजली पे भी चला सकते हैं और इसके अलावा सोलर पे भी चला सकते हैं। ये एसी और डीसी दोनों है और ये बहुत कंफर्टेबल है और है भी लाइट वेट। ब्रेक लाती हूं मैंने जो टंगा है ना, भी है भी बहुत अच्छा। अब ये देखें, अरमान हमें दे रहा है उसका बाकी एक्सेसरी। चल भाई मुन्ना, बस आप इसे खोल के चेक कराओ क्या क्या है इसमें। खोल नहीं करना। नहीं नहीं अरमान, दो नहीं यार, एक ही चाहिए बस। मतलब रेट भी इसका इतना ज़्यादा नहीं है, ये सस्ता ही है, 4700 रुपये में लिया ये। और क्वालिटी के हिसाब से, मतलब हमारा ये पहली दफ़ा एक्सपीरियंस है, अब इंशाल्लाह इसको फिक्स करके चला के दिखाएंगे आपको। ये देखें, फिक्स कर दिया हमने। ये इसका रिमोट है, इधर से हम इसको ऑन ऑफ और स्पीड भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, अभी मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। ये देखें, ये देख, ये रिमोट से इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। इसकी स्पीड भी ज़्यादा कर सकते हैं, स्पीड कम भी कर सकते हैं, और रिमोट से ही इसको ऑफ भी कर सकते हैं आप। जी माशाल्लाह, हवा भी इसकी सही है, स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। रिमोट सिस्टम वाला तो मेरे हिसाब से ये सिस्टम सबसे बेहतर है। ये देखे, दोबारा चला दिया मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह दो पंखे लेके आए थे मैं।